कोरोना संक्रमित मरीजों का ग्राफ हर दिन बढ़ता जा रहा है। प्रशासन के लाख मना करने के बाद भी लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए रीवा पुलिस प्रशासन ने अनोखा कदम उठाया। पुलिस ने आवारा घूम रहे लोगों को एम्बुलेंस में यह बोलकर बैठाना शुरू कर दिया कि यह कोरोना संक्रमित है, जिसके बाद लोगों में भय का माहौल बना और वो भागते नजर आए। रीवा में लॉकडाउन के बावजूद सड़कों पर आवारा व फालतू घूमने वालों का आंकड़ा कम नहीं हो रहा है। पुलिस प्रशासन लगातार चेतावनी दे रहा है, उसके बावजूद लोग मोटरसाइकिल से घूमते नजर आ रहे हैं। पुलिस के पूछने पर तो जैसे इनके पास बहानों की लंबी चौड़ी लिस्ट होती है। कोई डॉक्टर का पर्चा लिए हुए है तो कोई कुछ और ही बता रहा है। रीवा पुलिस ने फालतू घूम रहे लोगों से निजात पाने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया है। अनावश्यक घूम रहे लोगों को पकड़कर एम्बुलेंस में बैठाया गया और उन्हें यह बताया गया कि इस एम्बुलेंस में कोरोना संक्रमित है। बस फिर क्या था, लोगों के हाल खराब होने लगे। कोरोना वायरस के डर के कारण कई लोग रोते और भागते नजर आए। लोगों ने पुलिस से अपनी गलती की माफी मांगी। इसके बाद उन्हें हिदायत देकर छोड़ दिया गया। प्रशासन का कहना है कि प्रदेश में कोरोना के कारण कई लोगों की जान जा चुकी है, लोग लेकिन फिर भी गंभीरता से नहीं ले रहे। प्रशासन ने फिर लोगों से घरों में रहने की अपील की है। ये एक वीडियो हम लोगों ने देखा था, हमारे पुलिस अधीक्षक ने भी इस वीडियो को देखा था। उसमें इस तरह का एक बनाया गया था जिसमें ये बताने की कोशिश की गई कि जो यूथ है हमारे यहाँ खास तौर से, जो दो दो तीन तीन लोग बिना किसी कारण से, बिना किसी आवश्यक कारण से सड़कों पर निकल रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं, उनको कैसे रोका जाए। जब उनको रोकते हैं तो उनके अंदर एक अजीब सा जोश होता है और जो कहते हैं कि साहब हमको तो कोई डर नहीं है, हमको तो कोरोना होगा नहीं, हमको तो हो ही नहीं सकता। जब ऐसा एक वाकया देखा गया तो उसमें ये आया निकल के, उन यूथ को जब ऐसा बताया गया कि एम्बुलेंस में एक सस्पेक्टेड बैठा हुआ है कोरोना का और आपको भी लेके जा रहे हैं साथ में वहीं पर, तब उन यूथ के मन में जो डर आ रहा है, जो एक कसमकस आ रही है कि नहीं सर मैं इसके साथ नहीं बैठूंगा, मुझे हो जाएगा, तो उस डर को फिल्माने की कोशिश की गई है और मैसेज देने की कोशिश की गई है रीवा पुलिस की तरफ से ऐसे लोगों को, ऐसे यूथ को, कि आप अपने घरों में रहें, बिना मतलब में सड़कों पर ना आए, बिना मतलब में ना घूमें, अति आवश्यक हो तो सिंगल व्यक्ति घूमें टू व्हीलर से, और अगर और ज़्यादा ज़रूरी पड़ रहा है तो पास लेके जाएं। लेकिन ऐसे यूथ बिना किसी कारण से अनावश्यक रूप से ना घूमें, उनको ऐसा मैसेज देने के लिए यह किया गया, जिसमें हमारे डीएसपी मनोज वर्मा साहब, हमारे ट्रैफिक की टीम और पुलिस के और साथी थे, साथ में एम्बुलेंस का स्टाफ था, यही प्रयास किया। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।